अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बारिश की वजह से कल से मुलतवी होने वाला मैच जारी है। इंडिया की जारहाना बैटिंग और पाकिस्तान शाहीन बॉलिंग और फील्डिंग में स्ट्रगल करते नजर आए। भारत का पाकिस्तान को 357 रन का बड़ा हदफ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इरफान जहीर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज कितने छक्के चौके और मरवाने वाले हैं। जो लगने थे वो तो लग गए, तो हमारी बारी है। अपनी टीम के बारे में क्या कहेंगे? क्या इरफान ऐसा है कि हमने जो टॉस जीती तो आधा मैच हम उसी वक्त हार गए जब हमने ये डिसाइड किया कि हम बैटिंग नहीं बॉलिंग करेंगे? हम कह सकते हैं कि जब आप कोई रॉन्ग डिसीजन करते हैं तो वो किस तरह आपको हैम्पर करता है। ऑल्दो के टॉस आपके हाथ में नहीं होता, बट आप अगर जीत जाते हैं टॉस और कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि ये कंडीशन क्या है, बैटर्स के लिए अच्छी हैं, स्टैट्स बाबर को माइंड में रखने चाहिए थे। अगर श्रीलंका की बात करें तो 300 प्लस कभी कोलंबो में चेज नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो बाबर को ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, अपनी बैटिंग को देखते हुए पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। जैसे रमीज साहब भी सुबह कह रहे थे कि हमने एक बड़ा फंडामेंटल है, बेसिक प्रिंसिपल है क्रिकेट के अंदर कि अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो पहले बैटिंग करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है क्रिकेट के अंदर आपकी वो जो रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बाबर कुछ डिफरेंट कर, वैसे तो नॉर्मली करते नहीं है, जब कुछ ऐसा डिफरेंट करते हैं तो वो करते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता और उसका रिजल्ट हमारी ये टीम हो रही है। हाँ, वो ऐसा डिसीजन लिया। सब हम कह रहे थे, कमेंटेटर की बात सुने, तमाम एनालिस्ट की बात सुने, तमाम एक्स क्रिकेटर की बात सुने, तो कल ही सब ने कहा कि ये बाबर का कल डिसीजन है। बाबर का जो मेरा हमेशा गिला रहा है कि बाबर एक तो इनोवेशन नहीं लेके आते, नई चीज़ें नहीं करते, एक रिलक्टेंट है कुछ नया करने के लिहाज से, और जब कुछ करते हैं ऐसा तो ऐसा परसिस्टेंट होकर फंस जाते हैं, एक ऐसे मेंटल ब्लॉक में आते हैं कि चीज़ों को फिर उससे में से बाहर भंवर से निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने बात की कि आपको 5 बॉलर फास्ट ही खिला देने चाहिए, आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, स्पिनर को मार पड़ेगी। हमने देखा शादाब को कितने रन कंसीड हुए, आज तो ना फास्ट बॉलर काम आए और ना ही स्पिनर। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इसमें थोड़ा सा हम आरिस रौफ की करेंगे, उनको जो था पेन थी अपने हारिस रौफ को पेन थी, तो उसकी जगह पे ऑब्वियसली आपने किसी बॉलर को चांस देना चाहिए था, बट हमने देखा कि अभी तक जो हमें न्यूज़ मिल रही है कि उसमें मोहम्मद हारिस को उनकी जगह पे कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इनके माइंड में ये था कि हमारे पास बैटर एक ऐड हो एक्स्ट्रा जो तेज़ खेले, रन बहुत हो गए हैं। और हमने एक पाकिस्तान की अगर शुमाइला अगर मैं वीकनेस देखूँ लास्ट 10-15 साल में, तो एक बड़ा सिंपल रूल है पाकिस्तान को हराने के लिहाज से कि आप शुरू में इनके ऊपर अटैक कर दो, और जिसे कहते हैं कि ये इनके अंदर खलबली मच जाती है, इनका ना दिमाग काम करता है ना इनके हाथ पांव काम करते हैं। इनका हमने वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, सेमीफाइनल देख लें, जैसे ही आप जीती हुई कंडीशन के अंदर भी आपको अगर लोअर और मिडिल ऑर्डर भी अटैक करता है तो इनको कुछ समझ नहीं आती हमने क्या करना है। और कल इरफान बारिश की वजह से एक अच्छा टाइम मिल गया था दोबारा से सोचने और कोई नई स्ट्रेटजी प्लान करने का, लेकिन फिर भी आज आप ये देखें ना कि अगर आपने हारिस को ही हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हारिस को एज ए बैटर डालना है, बॉलर को रिप्लेस करें या बैटर के साथ, अगर आप इस अप्रोच से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही गिव अप कर दिया कि हमें फेंटी पड़नी है, इन्होंने हमें मारना है, इन्होंने हमें रन्स करने ही है। तो ये माइंडसेट आपको बताता है कि आप मेंटली कितने दिलेर हैं। आपके डगआउट पे जो मोहम्मद वसीम जूनियर वो मौजूद थे, आपका तगड़ा बॉलर है, सुबह भी बल्कि बात हो रही थी, वो अच्छा खासा रिवर्स स्विंग करता है बॉल को, उसको चांस देते। कई दफ़ा ऐसे मौके जो होते हैं ये आपके यंगस्टर को बूस्ट अप करने के लिए, दोबारा गेम में लाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट हमने देखा कि उन्होंने फिर वही बोल्ड डिसीजन नहीं लिया और आपने बैटर से रिप्लेस किया, यानी कि आप, मैं जिस समय बार बार कह रहा हूँ कि आपने पहले ही गिव अप कर दिया था कि हमें रन होने ही होने हैं, तो हम चले बैटिंग में, आप देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बॉलिंग तो बॉलिंग है, हमारी फील्डिंग बहुत बुरी रही और इतने सारे आज भी देखे, कल भी हमने बात की थी आज भी की कि आज तो चले थोड़ा सा हम क्रेडिट दे सकते हैं, सोगी आउट फील्ड थी, वेट है कंडीशन, बॉल शायद ग्रिप ना और हाथ में पकड़ना मुश्किल है, तो चलें हम 10-15% कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट फिर हम भी कह सकते हैं कि दरमियान में भी बारिश हुई, इंटरप्शन हुई मैच के अंदर, बट आपने ये देखना है कि आपकी अप्रोच क्या थी। सबसे बेहतर पहले ये चीज़ मैटर करती है, आपकी इंटेंट क्या थी। जिस तरह कल 2 कैचेस ड्रॉप हुए आपने उसकी ट्राई नहीं की, इससे मतलब ये है कि आप मेंटली किसी वो ब्लॉक में आ चुके हैं, फंस चुका है, कहीं ना कहीं आपका माइंड शटर हो चुका है कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने हमने क्या करना है। ये आपका होता है लीडर फ्रॉम द फ्रंट, आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। बाबर की जब हम बात करते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ही इज़ द रनिंग कैप्टन, वो बॉर्न कैप्टन नहीं है, बट बाबर को अब 3 साल हो गए हैं, बाबर को अब ये देखना पड़ेगा कि मैंने ऐसे बोल्ड डिसीजन जो करने हैं उससे टीम को कितना फ़ायदा है। जैसे हमने T20 की आज सुबह बात कर रहे थे कि T20 में पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि आप दोनों ओपनर करके तेज़ नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान कम टोटल बनाएगा, आप फाइनल नहीं जीत सकते। बाबर ने नहीं मानी,
उसने परसिस्टेंट रहा, मैंने और रिजवान ने ओपन करनी। आप देखें कि हम एक दफ़ा सेमीफाइनल हारे, एक दफ़ा फाइनल हार गए। जब आप लाइन क्रॉस नहीं कर रहे तो इट्स मीन कुछ गलत हो रहा है, उसको चेंज करके ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। फॉर इंस्टेंस आपका नया ओपनर आता है, वो आपको रन करके नहीं देता और आप किसी जगह पे आपको लगता है आप फंस गए हैं, तो आप दोबारा वापस आ जाए आपने उसी चीज़ पे, आपके पास एक जस्टिफिकेशन तो होगी ना, जी मैं ठीक हूँ, मैंने ट्राई किया मैं ठीक हूँ। इसी तरह आप आज पांच फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं और आपको लगता है कि हमारे पांचों फास्ट बॉलर को मार पड़ेगी, आपके पास ये जस्टिफिकेशन होनी थी लास्ट मैच में हमने स्पिनर ट्राई किए, अभी मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया है, पड़ गए कोई मसला नहीं, आज आपने एक्सपोज तो आप आज भी हो चुके हैं, लेकिन आपने कुछ डिफरेंट करके अपना और डगआउट को भी ख्याल रखना। देखिए जो लड़का इतना बड़ा स्कोर अभी हमें इरफान मिला है, क्या हम इसको चेस कर पाएंगे? जी मैं तो उसकी तरफ मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जो लड़का डगआउट में बैठा है वो आखिर डोमेस्टिक के अंदर कहीं परफॉर्म करके आया या PSL में परफॉर्म करके आया, वो अगर खेले बगैर वापस चला जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस सारा शटर्ड हो जाएगा। तो आपने उसको भी वैल्यू करना है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले उसको चांस दें। क्या आपके स्कोर की बात है, मुझे तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, बट क्रिकेट में यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। मुझे याद है 2007 में जो है वो 322 का हमें जो है वो भारत 321 का हमें वो मिला था, तो हाँ, 322 का हमें वो हमारा 2007 में हमने शुएब मलिक की कप्तानी के टाइम की बात है, तो अब तो उससे बहुत ज्यादा है। वो अगेन मोहाली की बड़ी आइडियल कंडीशन थी बैटिंग के लिए, वैसे तो हमने लाहौर के अंदर लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 348 चेस किया था, वो भी बड़ी बैटिंग पैराडाइज लाहौर की पिच का जाता है, ये भी बैटिंग पैराडाइज है, बट कोलंबो में मैंने जैसा कहा 300 प्लस चेज नहीं हुआ। और दूसरा हम ये है कि हम बैड चेजर्स हैं, ये सब जानते हैं। तीसरा ये है कि जब इस तरह की फेंटी पड़ती है आपको तो आपका माइंड कई दफ़ा उसको एक्सेप्ट करने के लिहाज से आप किसी और, अब बाबर को एक ये भी चीज़ हैम्पर करेगी कि मैंने डिसीजन क्यों गलत किया, मीडिया का अपना प्रेशर, सोशल मीडिया का अपना प्रेशर। खैर अभी इनको डगआउट में बैठना चाहिए, आराम से रिलैक्स के खाना खाएँ, सोचेगा जो होना था वो तो हो गया, जितनी गलतियां करनी थी फील्डिंग के अंदर लैप्सेस होने थे वो हो गए, गलत डिसीजन थे, बॉलिंग बुरी जितनी हो सकती थी आपने कर दी, अभी भी आपके पास चांस है। क्रिकेट में आप लास्ट बॉल तक गिव अप नहीं करते, और मेरा मानना यह है कि वैसे भी लाइफ का एक प्रिंसिपल है, जब तक आप गिव अप नहीं करते आप नहीं हारते, तो एक इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएँ, अग्रेसिव खेलें, शुरू में अटैक करें। भारत की देखें बॉलिंग लाइनअप, ऑल्दो कि हमने देखा है कि उनके भी विकेट अच्छे खासे लेते हैं, बट वो भी बॉलिंग बैटिंग तो उनकी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है, बॉलिंग में वो बहुत स्लगिश हैं, उनके ऊपर भी अगर अटैक करते हैं तो उनका भी पाकिस्तान के बॉलरों से भी बुरा हाल है। अच्छा अगर हमें चांस मिलता है मैच खेलने का और बारिश नहीं होती तो क्या ओपनर्स इनको चेंज करने चाहिए या वहीं उसी के साथ? देखिए अभी तो आपको चांस जैसे इन्होंने मोहम्मद हारिस को ऐड किया तो मोहम्मद हारिस का तो जगह ही ओपनर की है, तो आपको उसके साथ, और फखर आप देख रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा तो फखर को आप तीसरे नंबर पे या चौथे पे लेके आए, आप अटैक करें, बिल्कुल डेफिनेटली हारिस के साथ चांस लेना चाहिए। चांस की गेम आप तो आपके पास कुछ रहा नहीं है, आपने आउटसाइड चांस करना, अगर वो तेज 40-50 कर जाते हैं तो जो आपको 7 प्लस का रन रेट रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप उसको टैकल कर सकते हैं, बट अगर आपके शुरू में एक दो विकेट गिर जाती है तो फिर तो मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटी निकलती है कि आप किसी तरह ये चेज कर पाएँ। दूसरा ये कि जो भी रेन की जो करंट प्रेडिक्शन आ रही है वो रात 12 बजे के बाद है, तो इस मीन के आपके पास 4 घंटे का तो मैच हो जाना, 4 घंटे में तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एक और ओवर्स का ही हो जाएगा। हाँ अब दूसरा चीज़ ये है कि मैच के डिसीजन के लिए 20 ओवर रिक्वायर्ड है, यानी कि 20 ओवर का अगर मैच हो गया तो वट एवर द स्कोर इज तो उस वक्त आपका डकवर्थ लुईस मेथड अप्लाई हो जाएगा, तो अब आपने हर ओवर के साथ अपने साथ पर्चा भी रखना है आपने कि 20 ओवर के में इतना रन हमें चाहिए, 22 में इतना चाहिए, 25 में इतना चाहिए, स्पीड में खेलना पड़ेगा, उसमें आप उस माइंड सेट के साथ खेलना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी टाइम बारिश इंटरप्ट करती है और फिर दोबारा मैच नहीं होता तो यू आर आउट फ्रॉम द गेम, तो ये एक और प्रेशर आपके ऊपर एक्स्ट्रा आ चुका है। विराट और राहुल की जो आज पार्टनरशिप रही और दोनों ने सेंचुरी की, उसको आप कैसे देख? देखिए पहले तो कल ओपनर्स ने बड़ा शानदार जो उनको फाउंडेशन बना के दी, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया वो बहुत शानदार था, उसी की कंटिन्यूटी बात करें तो फिर विराट कोहली दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, और ख़ासतौर पर जो 1.5-2 साल से हम ही उनको फॉर्म में लेके आए हैं। विराट कोहली की आपको पता है 49 सेंचुरीज थी तेंदुलकर की, हाँ, और इसकी 47 हो चुकी हैं। जी देखिए तो बड़े पास पास हैं। मैं इसीलिए इनको शायद कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, बट मैं ODI के अंदर इनको दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मानता हूँ, क्योंकि इनकी जो सक्सेस है ना वो पहले खेलते हुए भी वैसे ही है, चेस के अंदर भी ऐसे, और चेस करते हुए ज़्यादा है। पहले खेलते हुए आप 90% बैटर को देखेंगे, उन्होंने दुनिया में सक्सेस दिलवाई है, चेस खेलते हुए आपको 2-3 नाम ही सिर्फ स्टैंड आउट नज़र आएंगे। आप हम तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, इनका 90% जो इन्होंने रन्स किए हैं, जो सेंचुरीज किए हैं, वो पहले खेलते हुए किए हैं, और शायद आपको गिनती पे 2-3 इनिंग्स उनकी याद होंगी जो उन्होंने चेस करके अपने मुल्क को मैच जिताए।
विराट की जब इनिंग्स सेंचुरी लगती है हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। दिल हमारा बहुत बड़ा है कि हम दुश्मन की भी तारीफ करते हैं, लेकिन हम अभी अगली इनिंग के लिए पहली बात है कि हम दुआ करते हैं कि मैच बारिश हो जाए। अगर बारिश नहीं होती तो हमारे प्लेयर्स बारिश पे, कल से हम बारिश पे चल रहे हैं जी। बस अब हम इजाजत चाहेंगे, अब तक के लिए इतना ही। एशिया क्रिकेट कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है रात 11 बजे। फन से भरपूर स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट मस्तियां सुनो न्यूज़ पर देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।